ऐसे विचार होते वैसे ही व्यक्ति का निर्माण हो जाता और विचार पढ़ने और सुनने से बनते हैं। पढ़ा लिखा आदमी अच्छी अच्छी किताबें में पढ़ ले और नहीं तो अच्छे लोग हैं उनकी बात जाकर के सुने आज सबसे ज्यादा बिगाड़ हो रहा है या सबसे ज्यादा बीमारी फैली है वो सिर्फ ये है वेदने वेद में एक जगह आया है आंखों वाले देखो कानों वाले सुनो एक सामान्य सी बात है आँखों से देखा ही जाता कानों से सुना ही जाता है पर वेद में जब यह शिक्षा दी इसका मतलब है कोई विशेष बात है इसका मतलब आंखों वाले देखते नहीं हैं और कान है, कान, हो, कान होते हुए भी सुनते ही नहीं सुनने लग जाए और देखने लग जाए तो सारी बात बन जाए और अब तो विशेष बीमारी फैल गई है हमारे शास्त्रों में जहां पर वक्ता की प्रशंसा की गई है ना वहां श्रोता की भी की गई है ये कहा गया वो आदमी बहुश्रोत था अर्थात बहुत सुनता था बहुत बोलना ज्यादा बढ़िया नहीं जितना बहुत सुनना बढ़िया है बहुत सुनते थे लोग नाम उनका पड़ जाता तो बहुश्रुत बहुत सुनने वाले पर केवल सुनने से ही काम थोड़ी चलता केवल सुनने से नहीं वेद की भाषा में सुनना क्या है कि सुनने के बाद में उसे हृदय में धारण करना सुनते रहे जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो सब बेकार है तभी तो कहते सुनता ही नहीं नई पीढ़ी पर तो विशेषकर शिकायत कि बालक सुनते ही नहीं और वास्तव में नहीं सुनते सुनने लग जाए तो बात ही बन जाए अब ये पता कैसे लगे कि ये सुनता कि नहीं सुनता है ये तो सबके कान काँग तो सब है कान तो सबके हैं सुनता या नहीं सुनता है ये कैसे पता लगेगा यह पता लगेगा उसके आचरण से कि हां इसने सुना नहीं सुनता कैसे पता लगा उसके आचरण से कहा और उसके अनुसार नहीं चला मतलब नहीं सुना और ये बीमारी बहुत ज्यादा फैल गई है आजकल कोई किसी की सुनी नहीं रहा सुनने का इतना महत्व था इतना महत्व था कि महाभारत में एक संवाद आता है नारद का और युधिष्ठिर का युधिष्ठिर का जब वनवास हो गया तो नारद सब जगह घूमते ही रहते थे तो घूमते 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 वहीं पहुँचे जहाँ महाराज युधिष्ठिर उनके भाई रहते थे विवेकी व्यक्ति यदि कोई हालचाल पूछे उसमें भी बुद्धि की बात होती है मूर्ख हालचाल मूर्खता की पूछता और विवेकी व्यक्ति यदि हालचाल पूछता है इसका मतलब का उसमें भी शिक्षा होती उसमें भी शिक्षा होती है मूर्ख हालचाल पूछेगा तो भैंस भी आएगी कि नहीं भी आएगी पड्डा डालोगे पढ़िया डाली छोरा के ब्याह हो गए खिनाए हो गए यही पूछेगा ना और घर में सब ठीक ठाक है लड़ाई झगड़ा तो नहीं चल रही मूर्त ये चीज पूछेगा लेकिन विवेकी लोग जो होते हैं ऋषि महर्षि लोग होते हैं उनके पूछने में शिक्षा होती है तो वहाँ पर व्यास जी ने प्रश्नवाचक चिन्हों में पूछा है अर्थात प्रश्न पूछते हुए उस अध्याय का नाम ही कच्चित अध्याय है तो उसमें व्यासी ने उन कहना हो नारद जी ने ये दृष्टि से जब मिले जाकर के दृष्टि ने सत्कार किया तो नारद ने हालचाल पूछे हालचाल पूछते हुए नारद जी ने कहा कच्चित सफला वेदा, कच्चित सफलम धनम कच्चित सफला दारा कच्चित्य सफलम श्रुतम बहुत प्रश्न है प्रसंग के अनुसार इसको लिया है कच्चित्य सफला वेदा नाराजी ने पूछा है हे महाराज तुम्हारा वेद पढ़ना सफल है आपने वेद पढ़ रखे क्या वेद का पढ़ना सफल है कच्चित्य सफलम धनम क्या तुम्हारा धन कमाना सफल है कि नहीं है देखो धन कमाना अलग बात है और धन का फल मिले ये अलग बात है धन का फल ना मिला तो बैंकों में तो ये पड़े हुए हैं पैसा भाई करोड़ों रुपया बैंकों में तो पड़े हुए हैं भाई हमारे काम के नहीं है और तुम्हारे काम के भी ना है ये तो मान लो सारी मथुराई पैसा हमारी है तो कहते हैं कच्चित सफलम धनम कच्चित सफला दारा दारा कहते स्त्री का तुम्हारा पत्नी के रूप में स्त्री का प्राप्त होना सफल है क्या कच्चित सफलम श्रुतम क्या तुम्हारा सुनना सफल है जो तुम सुनते हो वो तुम्हारा सुनना सफल है क्या अब जब इतने प्रश्न पूछे तो यधुष्ठ महाराज बोले महाराज सफल तो तब बताएं जब हमें पता हो इनके प, 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 इनका फल क्या होता उत्तर तो तब दिया जाए जब ये पता लगे कि वेद पढ़ने का फल ये होता धन का फल ये है गृहस्थ में जाने का फल ये है और सुनने का फल ये है तब वही तो, तो बताओगे ना अब हमें पता ही ना कि धन कमाने का क्या फल है हमें पता ही नहीं वेद जो है वेद पढ़ने का क्या फल है हमें पता ही नहीं सुनने का फल क्या है हमें इनका पता ही नहीं तो नारद ने ही फिर उत्तर दिया कि उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए कि हम तो उत्तर दे ही नहीं पाएंगे हमें ये पता नहीं इनका फल क्या है तो नारद ने उन्होंने कहा महाराज मुझे तो पता ही नहीं क्यों है कि वेद पढ़ने का फल क्या है उन्होंने पहले प्रश्न का उत्तर दिया नारदी ने अग्निहोत्र फला वेदा वेद पढ़ने का फल तब है जब अग्निहोत्र आदि यज्ञों को करो नहीं करा तो कोई कोई वेद पढ़ने का कोई फल नहीं अग्निहोत्र फला वेदा अग्निहोत्र आप कर रहे हैं क्या तो वेद तो का पढ़ना मंत्रों का पढ़ना सफल है और नहीं तो इनका कोई फल नहीं फिर फिर क्या फल है चाणक्य ने भी इसको बहुत महत्वपूर्ण माना है अग्निहोत्र को चाणक्य के श्लोक में यही बात लिखी है उसका हमने पद्यानुवाद भी किया है वेद व्रथा समझो के समझो कर यज्ञ सदा भव से तरना, सब काम वृथा विन दान दिए कर दान भली करनी करना तन ठीक न हो बिना मन में विचार व्यथा भरना दिल में भर लो जगदीश्वर को यदि चाहत हो दुख से तरना दुखों से तरना चाहते उन्होंने कहा इनका फल ही है वेद का फल क्या है यद्यादि उत्तम कर्मों को करते रहो दत्त भुक्तम फलम धरम धन का फल क्या है यथा योग्य स्थान पर दान देने के बाद में भोग करना ही धन का फल है नहीं तो बेकार है यहां किनके जीत गाए गए कंजूसों के नहीं ऐसे दानियों गाए गए जो भामासाज जैसे थे अच्छे कामों करो बढ़िया से बढ़िया उत्तम काम करो और उनसे जो बच जाए वो क्या है वही धन की सफलता है उससे वो करो दत्त भुक्तम फलम धनम रति पुत्रा फलादारा गृहस्थ में गए पुत्रादि नहीं है तो बेकार है गृहस्थ घर में नाती पौत पुत्र पौत्र, पौत्र नहीं फिर का गृहस्थ बेकार है और अंतिम प्रश्न का उत्तर जिसको मैंने उठाया था वो क्या है शील वृत्तम श्रुतम फलम सुनने का फल क्या है शील का प्राप्त हो जाना क्या है शील यदि व्यक्ति सुनने के बाद शीलवान नहीं है तो सुनना बेकार है उसका आचरण शील से युक्त हो तब तो सुनना ठीक है और सुन लिया शील वैसा का वैसा ही फिर फायदा क्या सुनने से अब सवाल यहां उठता है क्या शील फिर कहते किसे जी शील की बात कही है नारद जी ने वो शील है क्या नाम भी गांव रखे जाते सुशील है, है ना परिवार बड़ा शीलमान है बालक बड़ा सुशील है तो सुशील में क्या क्या आ जाएगा मर्षिद्यान ने भी लिखा उन्होंने कहा माता पिता संतानों को कैसी शिक्षा करें स्वामी जान से पूछा माता पिता सत्याप्रकाश उन्होंने दिया माता पिता संतान को कैसी शिक्षा करें तो स्वामी जी ने क्या लिखा वहां पर माता के लिए विशेष लिखा है कि गर्म में आए बच्चा तब से लेकर जब तक विद्या पूरी ना हो जाए तब तक माता सुशीलता का उपदेश करे धन्य वो माता है कहते जो बच्चे को शीलवान बना देती है माता वो धन्य है जो बच्चे को शीलवान बना दे गर्भ से लेकर बच्चा जब तक विद्या प्राप्त नहीं तब तक सुशीलता को उपदेश करती रहे असुशीलता के लिए एक दूसरे मुनि हमारे बीच में हुए हारित मुनि हारित मुनि से किसी ने कहा कि हम सुशील सुशील सुनते हैं सब कहते हैं सुशील बनो सुशील बनो तो अब हमारी समझ में आता सुशीलता में आएगा क्या कहा तो हारित मुनि ने तेरे लक्षण बताई कि तेरे लक्षण जिसमें हो वो सुशील है और तेरे लक्षण जिसमें नहीं वो सुशील नहीं है तो उन्होंने कहा कौन कौन से तेरे उन्होंने पहला बताया उन्होंने ब्रह्मण्यता क्या बताया ब्रह्मण्यता ब्रह्म कहते हैं परमात्मा को ब्रह्म कहते हैं ज्ञान को ज्ञान को भी ब्रह्म कहते ब्रह्म वेद को भी कहते कहते ब्रह्म्यता उसकी ज्ञान के प्रति रुचि हो यदि बालक को आपने शिक्षा करी हो ज्ञान के प्रति रुचि नहीं रखता ईश्वर के प्रति रुचि नहीं रखता सुशील नहीं हो पाएगा सुनता है सुना है उसकी रुचि पैदा हो पढ़ने में बच्चा ज्ञान की तरफ बढ़े ईश्वर की तरफ बढ़े ये पहला लक्षण है यदि बच्चे में ये चीज नहीं है वो ज्ञान की तरफ कोई रुचि नहीं रखता इसका मतलब है सुशील नहीं है दो शब्द हैं एक शब्द है कर्मण्य एक शब्द है ब्रह्मण्य भगवान कृष्ण ने गीता में इसको उदृत भी किया है कर्मण्य व अधिकार से कर्म कर्मण्य कौन से है कर्मण्य वो व्यक्ति है जो ज्ञान में ही सदा रुचि रखता कर्म वो, में वो कर्म में ही आनंद लेना शुरू कर देता है वो काम करेगा ना आनंद के साथ करता है इसलिए उसके काम सब बढ़िया होते कर्मण्य व्यक्ति के सारे काम बढ़िया होते काम करने के लिए बैठेगा वो काम में समर्पित हो जाता वो समाधि अपनी वही लगा लेता है एक बच्चा काम करता है दूसरा बच्चा काम करता है कर्मण्य का काम अलग होगा ये नहीं कोई बड़े काम है छोटे काम में भी दिखाई देता या खेत ने राहते घास काटते अब ये इसका छोटा भाई यहां पर था ब्रह्मचारी का रवि का अनिल अब दूसरे को टोकता था बालको उन्हें गुस्सा आता तू क्यों टोकता हमको उसे चैन नहीं पड़ता था क्योंकि वो निर्वाही करता तो कहीं ना कहीं घास नहीं जाती अरे यार इतनी घास करिए क्या निर्वाही करे अब ये क्या है वो वो जहाँ करता था वो काम में समर्पित ये घास के ये कहा पार काटता था ना उसे कहा थोड़ी पार्क काटते काटते भी उसमें भी डिजाइन बना देता था डिजाइन बना दे घास में डिजाइन बना दे घास में एक दिन डिजाइन बना दी घास में पार काट रहा तो साफ तरह कटा हुआ यहां पर यह कौन व्यक्ति करता है जो कर्मण्य है काम में ही रुचि रहता वो इन चीजों को निकाल के रहता है और मैंने देखा वो अपने में अपने में तन्मय हो जाता जिस काम को करे कर्मण्य व्यक्ति दुनिया में जहां काम करता है वह सफलता मिलती है एक ब्रह्मचारी का फाड़ रहा लकड़ी दूसरे ने कही कह चल यार वॉलीबॉल खेल रहे हैं कहा यार वॉलीबॉल समय हो गया बता दर्द सब आनंद तू बेकार कर रहा है वो कह रहा है कि वॉलीबॉल में भले ही तुम्हें आनंद है हमें लकड़ी में ही यार <laughs> <laughs> ये भी तो आनंद है कहते हमें इसी भी आनंद आ रहा है बहुत अर्थात आनंद तो तुम जाओ जहा कर्मण्य बन जाओगे वहीं आनंद आ जाता है और जहाँ कर्मण्य नहीं तो आनंद नहीं ये ध्यान रखो बालक पढ़े और पन्नीवाद कर्मण्य हो जाए तो समझ लो उसको विद्या आएगी कर्मण्य विद्या पढ़ता है कर्म करता है तो उसके अनुसार करता है और नहीं करता तो फिर उसी आती नहीं वो तो डंडे वाली हो जाती डंडे तो वाला काम नहीं तो जैसे कर्मण्य है वैसे ही ब्रह्मण्य है एक तो काम में रुचि लेता एक ज्ञान में रुचि लेता ज्ञान में रुचि लेने लगा सुन लो सुन रहा है ज्ञान में रुचि ले इसका मतलब क्या है सुन रहा है सुशीलता का पहला लक्षण है कि बच्चा ज्ञान में रुचि ले ईश्वर में रुचि ले तो समझ लो बच्चा पढ़ रहा है फिर बच्चा दंड नहीं हो सकता आज की स्थिति क्या है आज ब्रह्मणी तो नहीं है हर तरह की पढ़ाई के लिए नहीं कहा है वो पढ़ाई जो अध्या वो पढ़ाई करे स्कूल की करे लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में यदि रुचि नहीं लेता तो ब्रह्मण्ड नहीं है वेद ज्ञान के प्रति रुचि नहीं तो ब्रह्मण्ड नहीं है कोई समय ऐसा था कि ब्रह्मचारी दिखाई दे जाते थे गुरुकुल के तो आदमी आश्वस्त हो जाता था अब कोई चिंता नहीं ब्रह्मचारी है अब कोई चिंता नहीं अब तो ब्रह्मचारी हमें दिखाई दे गए और आज स्थिति क्या है कॉलेज के चार बच्चे खड़े दिखाई दे आदमी कहाँ बताएगा बदमाशी करेंगे करें कभी ना होगी गुंडे हैं तुम देखो जाकर के पंखे तोड़ें कुर्सियाँ तोड़ दें पथराव कर दें जब भर्ती आर्ती के लिए जाते रेल तोड़ देवे पंखे तोड़ देवे मतलब उन्हें नुकसान करना है वो ब्रह्मण्डता में नहीं आते ब्रह्मंडता में है कि जिनका ब्रह्म के प्रति ईश्वर के प्रति समर्पण है ज्ञान के प्रति समर्पण है पहला लक्षण क्या है वो ब्रह्मण्य होते वो कभी गड़बड़ कर ही नहीं सकते ये ब्रह्मण्डता आ गई तो सुन लो अब आगे बढ़ जावेंगे जहां ये रुचि आ गई ने व्यक्ति नुकसान कर ही नहीं सकता वो सोच भी नहीं सकता और ऐसा देश धर्म राष्ट्र के लिए वरदान होता है उसका ध्यान किस पर होता है कहीं ईश्वरी नियम तो नहीं टूट रहा है सुशील व्यक्ति ईश्वरी नियम नहीं तोड़ता कभी हम आगरा पढ़ते अब आगरा पढ़ते हम ज्ञात के बालक शहर में अच्छा नहीं लगता तो हमने की तरफ गांव में ही कमरा लिया क्योंकि तो यहाँ आराम से बढ़िया है कि गाँव शहर अच्छा नहीं लग रहा था तो वहाँ से बस में आते रोज और भी विद्यार्थी आते मैं भी आता जब बस में आते तो उस समय इतनी मतलब दिक्कत थी आने में कि सहज बस वाले खड़े नहीं करते प्राइवेट बस वाले चलते पैसे ही नहीं देते सरकारी बस वाले चलते उनको भी मारपीट कर देते तो ना सरकारी बस वाले ना प्राइवेट सब तंग रहते प्राइवेट वाले तो नहीं बस रोडवेज वाले तो अपना करेंगे तो रोज रोज गड़बड़ हो जाती लेकिन इस कालखंड में मैं कभी नहीं गया बिना पैसे के रोज पैसा देता और वहां उतरते वो हमारे पीछे लग जाए तू तो कायर रहे डरपोक है और यूँ दे देता फलाना दे देता कमाल ये क्या अध्यापक भी चले जाते जब चेला आए थे तो गुरु ही बैठ जाते जब चेला बैठे तो गुरु तो कौन मांगेगा कोई मांगता ही नहीं डर की वजह से एक दिन विवाद हो गया उतर के जाए थे तीन चार दिन बाद एक दिन रोडवेज बस जा रही तो उसने रोकी बालक भर गए मैं भी मैं भी उसमें था अच्छा वो शिकायत पहले कर चुका था कंडक्टर के हमें परेशान करते आगे पुलिस लेकर के अधिकारी मिल गए बस रोक ली अच्छा उसी दिन की बात है मेरे दिमाग में जब कमरे से निकले तो मेरे दिमाग में ये आई कि जी सब फ्री चल रहे हैं तू ही इ पैसा खर्च कर रहा है देखा <laughs> जे जब फ्री चल रहे हैं तो तू इ पैसा खर्च कर रहा है भाई सभी जा रहे फ्री तो तुम तो पैसा कोई ज़्यादा है तेरे बाप भी तो किसान ही हैं अरे फ्री चल रहे महीनों हो गए तू रोज पैसा खर्च करता तो मेरे मन में आई कि आज हम भी नहीं देंगे टिकट लेंगे टिकट एक कमाल है कंडक्टर आया तो हम पे रुका ही नहीं गया उन्हें पैसा निकाल दिए अब तो कंडक्टर पाँच गए सीट गए हम तो हमने पैसा निकल गए हम पे ना चाहते हुए और एक बालक में पास बैठा था बस तेरी वीरता निकल गई तो रास्ते में चला आज मैं भी नहीं दूंगा तुरंत तो तो निकाल दिए पैसे तेने तो मैंने उसको दे दिए जब वो रोक रोक ली गाड़ी पुलिस वाले आ गए और सब उतार लिए तो और तो सवारियों पर टिकट थी दो अध्यापक थे उन पर नहीं थी और बालकों पर नहीं थी स्कूल में पढ़ने वालों पर और एक हम पर टिकट थी क्योंकि हमने तो उस दिन आया तो मन में पर फिर भी टिकट ली वो अधिकारी ने सब पर तो जुर्माना किया पैसा दो और अध्यापकों को तो विशेष लताड़ा कि तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या सीखते हैं बच्चे तुम्हें गुंडों को पालते हो कि विद्यार्थियों को पालते हो और मैं था खड़ा दूर तो उसने हमारी पीठ ठों तो कंडक्टर बोला कि उससे सर ये तो हमेशा देता है तो उसने सबके बीच में पीठ ठोंक कर सम्मान किया बताओ ऐसे ऐसे होनी चाहिए तो मुझे भी बड़ा गर्व लगा कि हाँ हमने पर दिमाग में बोझ देखो बात आ गई मनु महाराज ने क्या कहा था धर्म छोड़ोगे तो धर्म तुम्हें छोड़ देगा या तो उस दिन हम धर्म छोड़ देते तो हम भी डूब जाते लेकिन उस स्वभाव ने छोड़ने दे दिया उस उस ब्रह्मण्डता ने हमें हटने नहीं दिया धर्म से फिर भी टिकड़ ली हमने ये क्या है कभी भी ब्रह्मण्य आदमी होता है जो परमात्मा को मानता है जो कहता है कभी उल्टे काम करेगा ही नहीं तो सुशीलता का पहला लक्षण यह उसके बारे में कल्पना कर ही नहीं सकते सुशील एक विद्यार्थी है वो कभी किसी को परेशान नहीं करेगा ना अध्यापकों को परेशानी होगी ना विद्यालय में परेशानी होगी और ना सड़क परेशानी होगी ये जितना भी गड़बड़ हो रहा है कि काई बात के लिए सुशील नहीं है गुंडे खड़े बहन बेटियों को छेड़ते हैं स्थिति ऐसी हो रही और बहन बेटियों में भी ऐसा ही हो रहा आजकल वो भी सिगरेट पीती शराब पीती तो ये सारा हमारा बिगाड़ कैसे हुआ सुशील ना होने से और शिक्षा दी जाती है, लेकिन सुनते ही नहीं शिक्षा तो दी जाती है पर सुनते है नहीं ये न सुनने का परिणाम है जहां सुनने लग गया वहां सुशीलता आ जाएगी समझ गए ना तो क्या है सुशीलता का पहला लक्षण है कि बच्चे में परिवर्तन आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चा ब्राह्मण्य है कि नहीं यदि बच्चा ब्राह्मण है यदि बच्चा ज्ञान की तरफ बढ़ रहा है ईश्वर की तरफ बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है सुन रहा है और नहीं बढ़ रहा है तो सुन नहीं रहा फिर जहां कहीं भी और सुनना भी क्या है ये हमेशा ध्यान रखो सुनना भी ब्राह्मण को ही है श्रोतम का मतलब हर चीज सुनना नहीं है हर चीज सुन रहे हो ब्राह्मण नहीं ब्राह्मण नहीं बन रहे अच्छी चीज याद नहीं रहती कोई गाली दे दे किसी लड़ाई हो तो पूरी सुना देगा किसी में विवाद हो जाए और लड़ाई हो तो सारी चीज़ याद हो जाती अष्टाध्याय की दस सूत्र याद ना हो मैं कहते बहुत मुश्किल पड़ रही गुरु जी तो याद करनी मुश्किल पड़ रही हमारी माता बहने ने नहीं है सुनने में वैसे सुनने बहुत तेज है जे? यानी कि कभी कभी विवाद आ जाते हैं ना तो जब तक ब्याह हुआ तब तो तक लेकर अब तक की सब बात याद है एक घर में विवाद हो गया हम ले गए हमने उससे कहा पहले उसने अपनी सारी कहानी सुना दी देवरानी ने यूँ किया जिठाने ने यूँ किया देवर ने यूँ किया परेशान किया फलाना ठिकाना अभी नाक बदम आ गई है अब हम तो रहेंगे समझा बुझाया पर मैंने उनसे कहा तू कुछ पढ़ा कर पढ़ी है कहाँ सातवीं आठवीं पास है तो कुछ पढ़ा कर पढ़े तो हमें कुछ याद ही नहीं होता हम बस इतनी कहानी तीन सब सुना दी सब याद ही तो है जब तेरे तीन जाना एक ते आई तो सब कहानी सुनाई दी याद तो खूब होता है याद तो बहुत होता है लेकिन ये चीज़ याद नहीं होती तो सुनना क्या है जिसको सुनने के लिए वेद कहता वेद क्या गया श्रुति वेद का नाम ही श्रुति है, है। वेद का नाम क्या है श्रुति है अच्छा उसे ही सुनना ज़्यादा उसी का सुनना सुनना है अन्य चीज़ों को सुनना सुनना नहीं होता है आपने वेद उसका नाम ही श्रुति है सु, सुननी किसकी है वेद की और की तो चाहे लापरवाही बढ़ता सुनो ना सुनो कोई कोई मतलब को, नहीं को, को ज़्यादा ये जरूर सुनो वेद के अनुकूल वेद की शिक्षाएं इनको सुनने के लिए उसका नाम श्रुति है ये सुनना ये ही यही है और नहीं सुनना है विद्या ब्राह्मण की ब्रह्मण्डता विवाद सुननी और दूसरी सुननी नहीं गाली गलो सुननी नहीं कोई चुगली करता उसका सुनना नहीं है कोई वैसी बकवास करता वो सुननी नहीं क्या सुनना है क्या सुनना है वेद क्या सुनना है ईश्वर की बात ज्ञान की बात यदि यह सुनोगे तो सुशीलता का लक्षण आ जाएगा दावा है कि तुम्हें कभी कभी कोई बिगाड़ नहीं सकता तुम तो समाज और राष्ट्र के लिए वरदान बन जाओगे यह सुनने की क्षमता आ गई ब्रह्मण्डता आ गई तो समाज राष्ट्र के लिए वरदान हो जाए और वो बच्चे ही वरदान बनते ध्यान रखना जो ब्रह्मांड होते जिनमें यह सुशीलता आती है वही राष्ट्र के लिए वरदान है और जिनमें यह सुशीलता नहीं आती है वो तो न राष्ट्र के लिए नर कर दिया उन्होंने तो ऐसे श्रवण हमारे जीवन में आए यहाँ जो सत्संग किया जाता है इसीलिए किया जाता आप यहाँ से सुनिए सुनने के बाद में उसे धारण कीजिए और वो कैसे पता लगेगा कि वो हमारे अपने व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन है तो समझ लो कि अब सुशीलता आनी शुरू हो गई व्यवहार में परिवर्तन नहीं तो बिल्कुल नहीं हमारे व्यक्तिगत व्यवहार में परिवर्तन हो रहा कि नहीं हो रहा हम ब्रह्मण्यता की तरफ बढ़ रहे हैं तो ईश्वर की व्यापकता हम में आ रही कि नहीं आ रही ये न ना सुनना नाम लेते रहे हम वेद का लेकिन श्रुति को हमने श्रुति समझा नहीं उसका दुष्परिणाम क्या हुआ वेद के अनुयायी आज सारी संसार में छाए रहने चाहिए थे वो छा नहीं पाई वो चिमट गए इस मंच से बहुत कुछ गाया जाता है और बहुत से प्रवचन होते हैं फिर इतना प्रचार क्यों नहीं होता सुनता नहीं आदमी आदमी सुने गया प्रचार हो ही जावे सुनते कहां है जो स्वयं ही इस व्यवस्था में लगे वे नहीं सुन रहे मर्षिदयाल ने जितना कितना ध्यान और दिया है परम धर्म और बताया है इस सुनने को वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का धर्म नहीं परम धर्म की बात कही परम धर्म इसीलिए बताया स्वामी ने कि सब धर्मों से ऊपर ये है वेद का सुनना सब धर्मों से ऊपर है इसे सुन लिया हमने तो थोड़ा ही सुना था हम कहां से कहां पहुंचे जा हमने थोड़ा ही सुना था हम उस सुनने से ही घर छोड़ बैठे और जहाँ पर भी रहे वो ब्रह्मण्डता के साथ रहे और ऐसा नहीं है जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य भी उसी से हो रहा है हम चाहे यहाँ पर बैठे कहीं नहीं मुझे आश्चर्य होता है हम जहाँ तक नहीं पहुँचते हैं वहाँ लोग करते हैं आज अलीगढ़ से फोन आया कि आप गुरुकुली चारदीवारी कर रहे हैं हम कर रहे हैं आप चतुर्व्यप्राण यज्ञ भी कर रहे हैं क्या कर रहे हैं मुझे बताया गया है हमने नहीं उन्हें बताया मुझे ऐसा बताया है हमारी ट्रस्ट है आप एक निवेदन हमारे पास ट्रस्ट के नाम से भेजो कि हमें बाउंड्री के लिए पैसे चाहिए यज्ञ के लिए पैसे चाहिए तो फिर हम अपने यहाँ से व्यवस्था करवाते हम क्या आपका बहुत धन्यवाद है जो आपके भी धन्यवाद नहीं है ये हमारा सौभाग्य है क्योंकि तो हम सब जगह देते ना एक ऐसा कर्म उपस्थित आपने कर दिया जहाँ हमारा देना सफल हो जाएगा गुरुकुल बचेगा ये बचेगा ये बचेगा अच्छा ये सारी चीज़ कैसे जाती है मांगना नहीं जाना पड़ा है लेकिन आदमी दे रहा है एक विश्वास है ब्रह्मण्डता एक विश्वास लाती है समाज में सुशील व्यक्ति को जो कह देगा ना समाज में उसका विश्वास होता ये सुशीलता इसमें ये गलत कह ही नहीं सकता और असल में है ही ये सुशील व्यक्ति पर झूठ बोला ही नहीं जाएगा वो ब्रह्म के पास है झूठ कैसे बोल जाएगा और ना वो डरता है कभी वो डरता नहीं है क्योंकि अक्षर जो होता है उसको भी ब्रह्म कहा गया है शब्द ब्रह्म ब्रह्मण्डता क्या है शब्द के सही स्वरूप को हमें सुरक्षित रखना है ये ब्रह्मण्डता है शब्द ब्रह्म है वावरे शब्द ब्रह्म है बावरे जिसे तो हम सुना रहे हैं ये ब्रह्म है शब्द ब्रह्म है बावरे लेना झूठ की ओट जो कुछ कहना है तुझे कहे डंके की चोट जब ब्रह्म शब्द ब... ब्रह्म है फिर झूठ की का है सातन डंके चोट को बात बनेगी क्यों नहीं बनेगी शब्द यदि ब्रह्म है ब्रह्म सबसे बड़ा है तो बात बनेगी लेकिन यदि शब्द कोई रगड़ोगे शब्द कोई ढंग से गलत प्रयोग करोगे गलत शब्द ही अपने अंदर लाओगे तो फिर तो फिर बंटा रहा है फिर बात नहीं बना करती बात तभी बनती है जब हम शब्द ब्रह्मों को ब्रह्म की तरह समझें तो ये अपने जीवन में ब्रह्मण्डता हम अपने जीवन में लाएं कर्ण जब मर गया है ना, कर्ण जब मरा तो कृष्ण ने कहा कि वैसे तो इसमें इसमें एक ही गलती हो गई थी कर्ण पर कर्ण बहुत बढ़िया आदमी था केवल एक गलती हो गई गलत आदमी का एहसान ले बैठा गलत आदमी का कभी एहसान नहीं लेना चाहिए अच्छे आदमी को गलत आदमी का एहसान ले लोगे अच्छा आदमी तो एहसान चुकावेगा और वो तुम्हारा दुरुपयोग करेगा तुम ये सोचोगे यार इसका एहसान ले लिया काम करने और वो ऐसे ही कर्ण ने दुर्योधन ने किया उसके ऊपर मुकट धर दिया अंग देश का राज दे दिया फिर उससे मनमाना काम कहा वो अंदर से दुखी था अंदर से दुखी था और मारा भी गया केवल एक एक एहसान एक से मारा गया जीवन में तब तो कृष्ण जब मारा गया तो दुर्योधन वो क्या ना दुर्धुष्ठ खुश हो गए जब खुश हो गए और कृष्ण दुखी हो गए उनका दुश्मन मारा गया दुखी कैसे हो तो क्या कहा मगर जो को, जो कुछ भी था मनोज सुवरिष्ठ था वह सत्यवादी नहीं धर्मनिष्ठ था वह बड़ा बड़ा ब्राह्मण्य था मन का यति था वहाँ से ब्राह्मण ने बताया बड़ा ब्रह्मण्य था मन का यति था बड़ा ब्रह्मण्य था मन का यति था सन्यासी समान था वो उसे ऐसा मत समझो तो यहाँ ब्राह्मण ने कैसे कही उसकी प्रशंसा की वो तो ने था तो ब्रह्मण था, हम था हमारे अपने जीवन में आए वो शब्द हम सुने तो हमारे अपने जीवन में आए हम कह दें हमने सुना है हम धारण करें और हमने यदि कह दिया तो लोगों को विश्वास हो कि ऐसा अब हो नहीं सकता कि ये चीज़ ना हो ये सुशीलता का पहला लक्षण है ऐसा नहीं कोई भी कह दे वो तो लपका है कहते ही रहता है कहते ही रहता है तो ना ये जीवन ठीक नहीं होता ये लपका है वो तो यही मार देता ना इसने कहा है इसका मतलब कोई बात है उसने कहा है समाज गंभीरता से लेगा गरिमा से लेगा तो ये सुशीलता का पहला लक्षण हमने आपको बताया है तेरे लक्षण है धीरे धीरे बताते रहेंगे अपने जीवन में लाते रहिए समझ गए ना विशेषकर तुम तो लोगों के लिए देश और धर्म के लिए आगे बढ़ना तो सुशीलता आनी चाहिए कभी उदंडता नहीं होनी चाहिए हालांकि वृंदावन के ब्रह्मचारी अधिकांश हमारे ऐसे हैं नहीं जो हमारे सामने अब ऐसा करेंगे अगर कोई शिकायत इनकी है नहीं हम रखते ही नहीं शिकायत वाले